इस वक्त हम खड़े हैं आगरा के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय में, और ये हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविद्यालय के छात्र, जो देश का सुनहरा भविष्य है, कल के आने वाले देश की उम्मीद है, और हम इनसे बात करेंगे देश की आजादी के पर्व के बारे में, जो पर्व हम 77वां पर्व मनाने जा रहे हैं। इन छात्रों से बात करेंगे कि ये सफर कैसा रहा। ये नाम क्या आपका? मेरा नाम कांत प्रसाद है। देश की आजादी के 77 वर्ष पूरे हो गए, ये सफर कैसा रहा पूरा, क्या आप करेंगे? ये सफर 1947 से 2024 तक का ये सफर, 77 साल का ये सफर बहुत ही अच्छा रहा। पहले की बात है कि 90 रुपए में 10 ग्राम सोना आ जाता था, 27 रुपए पैसे का 1 लीटर पेट्रोल आता था। और अब पहले क्या था कि ना कुछ सिक्योरिटी है, ना कुछ था देश के लिए, ना कुछ विकसित था। अब ये है कि हर घर से निकलते ही हॉस्पिटल की सुविधा, कॉलेज की सुविधा, बच्चे को प्रॉपर शिक्षा मिल रही है, एयरपोर्ट है, एक से मतलब कहीं दूर जाने के लिए पहले दिन लग जाते थे 2 या 3 दिन, अब क्या घंटों में कुछ सफर हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये देश की जो आजादी का जो संघर्ष रहा है, बहुत ज्यादा मूल्य रहा है हम लोगों के लिए। और ये जो पर्व है, हम लोगों को एक तरीके के लिए त्योहार की तरह ही मनाना चाहिए, मेरा ये ओपिनियन है इसके लिए। त्योहार के रूप में ये उत्सव मनाया जाना चाहिए। अब युवा है, छात्र है, आप किस तरह से देखते हैं देश में और कितना चीजें बदलनी चाहिए आप युवाओं के लिए, छात्रों के लिए? जितना कुछ विकसित हुआ है 77 साल का सफर रहा है, उसमें आपका जो नजरिया है? मेरा नजरिया ये है, अगर इससे आने वाला जो समय और आएगा, वो हमारे जैसे हम छात्र हैं, हमारे छात्रों के लिए यही है कि अच्छे से अच्छे कॉलेज और इम्प्रूव हो। शिक्षा को लेके बहुत, जैसे अभी पहले कुछ इम्प्रूव नहीं था कि बैठे हुए गूगल थे और हमारे ऋषि मुनि ने जो पढ़ाते थे, अब अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, AI आ चुकी है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और हम चाहते हैं कि छात्रों के लिए बहुत अच्छा एक अवसर है, जो अपने आप की अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए आगे और करे और बढ़ता जाए, देश और तरक्की करे। ये मेरा ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। अजय, किस तरह से देखते हैं 77 साल के सफर को, आजादी को? पहले 77 साल पहले क्या था कि हमारे पास ना तो अच्छी सड़कें थी, ना चिकित्सा के लिए अच्छे अस्पताल थे, और शिक्षा के लिए भी हमारे पास कोई ऐसा अच्छा साधन नहीं था कि हम जो है अच्छे से अपनी शिक्षा को कंप्लीट कर पाएं। लेकिन आज के टाइम में ऐसा है कि अब कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता है, और काफी लाभदायक हुआ है, जो देश बदला है। देश बदला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजीत। अजीत, 77 साल का सफर देश का जो रहा है, आजादी का, कैसे देखते हैं? हमारे पहले देश में जवानों पर बहुत सारे अत्याचार होते थे, और किसानों पर भी अत्याचार होते थे, और आज के टाइम में हमारे देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और पहले के लोगों को अस्पताल भी नहीं मिलते थे, ना टीचिंग लाइन में कोई स्कूल कॉलेज वगैरह कुछ नहीं था, तो गरीबी के कारण हमारे देश बहुत पीछे था। अब इस टाइम इतना अच्छा है हमारा देश, को कोई हमारे देश पर अत्याचार नहीं कर सकता है। यानी कि हम बहुत बदले हैं, बदले हैं, मजबूत हुए हैं, बहुत मजबूत हुए हैं, अब विकसित हुए हैं। क्या नाम आपको? प्रिंस खान नाम है मेरा। प्रिंस, आजादी के 77 वर्ष कैसा रहा सफर? मैं बोलना चाहूंगा 1947 में देश आजाद हुआ, एंड आई थिंक 2014 के बाद हमें बेनिफिट मिले, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट। मैं बताना चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट किस तरीके के, जैसे घर बैठे सुविधा, फॉर्म भर दो किसी भी चीज़ का, और अपने घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक काम मतलब कर सकते हो, ये चीज़ सुविधा। लेकिन हमारे देश में GDP मतलब नॉर्मल बेस पे है, बड़ी नहीं है, ये कहना चाहता हूँ मैं। और महंगाई बहुत है हमारे देश में, हम विश्व पटल पर काबिज हुए हैं, मजबूत हुए हैं। हाँ, मजबूत हुए हैं, लेकिन महंगाई भी है, कोई वजह है। क्या का नाम आपका? ग्रीश। ग्रीश, किस तरह से देखते हैं इस पूरे सफर को, आजादी को? सर, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, तब उस टाइम नहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ठीक था, ना बिजली से सब कुछ नहीं था। मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, बट अभी कुछ सालों से क्या है कि महंगाई वगैरह भी बहुत ज्यादा हो गई है, बिजली वगैरह, मतलब जो 4-5 सालों के अंदर। 77 साल की हम पूरी बात कर रहे हैं, 1-2 साल की हम उसको लेके चलेंगे तो अलग बात है। हमारा जो सफर है 77 साल का आजादी का, जो बड़े संघर्ष के बाद देश को आजादी मिली, किस तरह से देश में बदलाव हुए, कितना विकसित हुआ, और आज विश्व पटल पर देश कहाँ है? सर, वो तो है, बट 1970 से लेके आजाद हुआ जब से लेके अब तक, चाहे एजुकेशन हो, मेडिसिन हो, और भी मतलब हॉस्पिटल वगैरह, सब में ग्रो किया है हमने, विकसित तो हम हुए हैं, और यही है कि उम्मीदें बड़ी हैं। उम्मीदें बड़ी हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम फरदीन है।
और सन 1947 से दिन प्रतिदिन देश में प्रगति हुई है और बहुत बदलाव आए हैं और अपना विश्व पटल पर जो देश है वो प्रथम स्थान पर आ चुका है और बहुत अच्छे खासे प्रगति पर है और मतलब बहुत इम्प्रूव आया है अपने देश। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सत्यम है, मैं हिंदी साहित्य पर फोर्थ सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ। सत्यम, आजादी के 77 साल कैसा रहा सफर? सफर बड़ा उतार चढ़ाव रहा लेकिन संघर्ष से युक्त हुए ही हमारा देश आज बहुत अच्छे मजबूत स्तर पर खड़ा हुआ है। आज पहले जो हमारी जो सैन्य व्यवस्था थी वो इतनी अधिक अच्छी नहीं थी, परंतु धीरे धीरे डेवलपमेंट इतना हुआ कि आज हमारी चौथे स्थान पर आती है हमारी सैन्य व्यवस्था और हमारे पास इसरो जैसा एक बहुत अच्छा स्पेस सेंटर भी है और हमारी जो इकोनॉमी है आज चौथे स्थान पर खड़ी है विश्व पायदान पर। तो मतलब हमारे देश ने बहुत डेवलपमेंट किया है क्योंकि बहुत समय तक दूसरों आक्रांताओं ने जो हमारे ऊपर शासन किया है, फिर अंग्रेजों ने शासन किया था, मुगलों का भी रहा, तो इतना गिरने के बाद और फिर कोई देश अगर खड़ा होता है आज इतनी मजबूत स्थिति में तो ये सिर्फ भारत ही कर सकता है और ये बहुत अच्छा है। और जिस तरीके से आज यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है हमारे देश के अंदर वो तो आने वाले समय में देखता हूँ हमारा देश बहुत आगे होगा और नंबर वन पर पहुंचेगा। तो देखिए हमारे साथ आगरा के डॉक्टर वी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय के एक छात्र हैं जिन्होंने अपनी बात कही है। देश का 77वां वर्ष है आजादी का, वो आजादी जो बड़े संघर्ष के बाद देश को मिली और लगातार 77 साल में देश ने बड़े बदलाव किए और आज देश एक मजबूत स्थिति में है, विश्व पटल पर है और दुनिया आज भारत की ओर देखती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।